आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 मार्च 2023 दिन रविवार को गाजियाबाद के माननीय सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री एवं केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी ने नई दिल्ली स्थित नागर विमानन मंत्रालय से आज दिल्ली से इंडिगो की धर्मशाला तक नॉन स्टॉप फ्लाइट का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और अनुराग ठाकुर जी और इंडिगो के अधिकारियों की उपस्थिति रही। धन्यवाद। जैक्सन एयरलाइन, एयर डेक्कन, किंगफिशर वगैरह ने 2001 से इसके ऊपर फ्लाइटें शुरू की। एयरपोर्ट को पहले कांगड़ा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, अभी धर्मशाला एयरपोर्ट है और इसका एक्सटेंशन भी हुआ जिससे कि इस पर ATR-42 एयरक्राफ्ट उतर सके और एयर डेक्कन का ये एयरक्राफ्ट 2007 में पहली बार यहाँ पर उतरा था। इस समय तकरीबन 1376 मीटर रनवे की लंबाई है और जैसा किशन जी ने बताया, अगर जगह होगी तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर बड़े हवाई जहाज भी उतरें। वैसे भी एयरपोर्ट के नज़दीक का बहुत सुंदर स्टेडियम अनुराग ठाकुर जी ने बनवाया है जिससे धर्मशाला की छटा अपने आप भर गई है और दलाई लामा जी के कारण और दूसरे कारणों से ये हवाई अड्डा ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट देखता है आज और साथ साथ हिमाचल के पश्चिमोत्तर जिले जितने भी हैं उन सबको कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी यहीं से हो, चाहे चंबा हो चाहे हमीरपुर हो, सब इधर से ही लोग भाग जाते हैं। तो इसलिए इस हवाई अड्डे की महत्व बहुत है और हमें आशा है कि आगे आने वाले दिनों में अब 20 फ्लाइट है इंडिया।